क्योंकि भाजपा जैसा ढोंगी लोगों का जो जमावड़ा है, कल हमने देखा उनका यहां पर चिंतन शिविर हो रहा था। चिंता जताए कि डेमोग्राफी बदल गई, तो इस डेमोग्राफी को बदलने का काम कौन किया? केवल डेमोग्राफी पिछले 8 साल में नहीं बदली, जो डोमेस्टिक जो हमारा इकोनॉमी था वो डोमेस्टिक इकोनॉमी ही बदल गया। वो 2-4 घरानों के हाथ में चला गया। स्टेशन बेचना, एयरपोर्ट बेचना, अब तो रेलवे की जमीन भी बिक जा रही है, यह भी फैसला ले लिया गया पिछले कैबिनेट में। तो भारतीय जनता पार्टी को तो बताना पड़ेगा ना कि इस डेमोग्राफी को बिगाड़ने के पीछे की सोच क्या है। गुड्डा के मोतिया में जो अडानी पावर प्लांट खुला है जिससे बांग्लादेश को जाएगा बिजली, वहां का डेमोग्राफी किसने बदला है? आप डेमोग्राफी की बात करते हैं तो आप सरना धर्म कोड की बात क्यों नहीं करते? आप उनकी आइडेंटिटी को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करते? क्या किसी के आइडेंटिटी को समाप्त करके डेमोग्राफी बचाई जा सकती है? इनके पाखंड के सामने हर कोई लज्जित। और मैं आज पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी के इस विषैले मानसिकता के विरुद्ध माननीय राज्यपाल महोदय यदि स्थिति स्पष्ट कर दें तो हम इनसे लोकतांत्रिक तरीके से निपट लेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।